हेलो माय ऑल लवली फ्रेंड्स, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइज, मैं आज उठा हूँ करेक्ट 7:15 में। तो कल शाम गाइज मुझे एडिटिंग में भी लेट हो गई थी, रात को 1:30 बज गया था। तो गाइज अभी भी नींद लग रही है हल्की झुल्की आँखों में, और आँखें मेरी दर्द भी कर रही हैं। ऊपर से थोड़ा आज मूड भी ऑफ है, किसी ने मूड ऑफ कर दिया सुबह सुबह कॉल करके, कुछ बात हो गई थी कहीं। तो गाइज अभी ऐसे वीडियो में बता नहीं सकता, तो बाद में देखता हूँ बता दूंगा आपको, अभी बता नहीं सकता एकदम से। तो गाइज अभी भी आँखों में हल्की हल्की दर्द हो रही है। तैयार हो गया था 8:15 10 मिनट में। तो आज खाना बन रहा है, सिस्टर खाना बना रही है, तो अब निकलते हैं दुकान शॉप की ओर। तो गाइस देखते हैं अभी मुखानी के मंदिर एक चक्कर घूम के आते हैं अपने शिव मंदिर, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए एक बार मंदिर के दर्शन करके आ जाएंगे। तो गाइस टाइम भी नहीं मिल पाता ना गाइस, दिन भर बिजी रहता हूँ वीडियो बनाने का। गाइस कहाँ से बनाऊँगा कॉमेडियन, कहाँ से करूँगा कितना अच्छा। आज धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, रोजी रोटी भी देखनी है, हर चीज़ देखनी होती है गाइस। मुझे तो अभी भी सोने का ही मन कर रहा है। तो गाइस बने रहिएगा ब्लॉग पे, ब्लॉग को बनाएंगे और बेहतरीन आगे। हेलो गाइस, तो लेट सोने से तो कमजोरी भी बन रही है, फेस ऐसा हो गया है बिल्कुल जैसे कि मैं कितने 40 साल का हूँगा, 32 साल का हूँगा ऐसा लग रहा हूँ। तो गाइस हूँ नहीं इतना बड़ा, अभी छोटा ही हूँ, कच्ची उम्र का हूँ। फेस ऐसा हो रहा है गाइस लेट सोने से। गाइस कल से टाइम से सोऊंगा, टाइम टेबल बनाना है। सिस्टर को भी समझाया मैंने अभी कि रूल नियम टाइम टेबल बनाना है, रोज़ खाना टाइम से बनेगा, कभी हमारा खाना गाइस बनता है कभी नहीं। हेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस बने रहेगा, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, तो बन रहा है खाना, ये दाल और चावल चढ़ा रखा है सिस्टर ने। बस गाइस दुकान शॉप भी खोलनी है, तब निकलेंगे यहाँ से तैयार हो गए। सर पे हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है आज, तो कमजोरी महसूस हो रही है। टाइम से सोना चाहिए, वैसे टाइम से नहीं सो पा रहा हूँ मैं। तो भाई ले चलते हैं आपको मंदिर की ओर, भगवान जी से मिलाने। तो भाई चलो चलते हैं मंदिर की ओर। फ्रेंड्स तो ये है अपना हल्द्वानी का बाजार सुबह मॉर्निंग का, अभी गाइस 9 बजने वाला है, 8:59 हो गया टाइम। तो अपने आया हो फेवरेट भेतु भैया की दुकान पे, समोसे वाली दुकान पे। गाइस दही खाने, बढ़िया दही पैक कराते हैं, खा के जाएंगे गाइस। बढ़िया बन रहे समोसे, ये बन रहे छोले, दाल बन रही है दाल चावल। ये जमा रही है भाई ने दही, तो भाई बढ़िया दही खा रहे हैं, खाए हैं भी मलाई वाली। जय अंकल जी है अपने, अंकल जी जय श्री राम। लाल जी दिखा रहा है हाँ। तो भाई ये अपना हल्द्वानी का मार्केट, अभी ज़्यादा रश नहीं है, अभी चहल पहल नहीं हो रही है, अभी सुनसानी है एकदम। तो चले आ जाओ मंदिर जाके। नमस्कार नमस्कार। भाई मंदिर चल रहे हैं, तो भाई मंदिर के अंदर जो आके सुकून मिलता है, पेड़ की परिक्रमा करेंगे, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मंदिर के दर्शन करें, तो भाई बाबा के दर्शन कीजिए। तो गाइस अभी तो पूजा का पूरा दिन है, 11-12 बजे तक यहाँ पे पूजा होती रहती है रोज की तरह। फिर आ गया हूँ गाइस, काफी अच्छा श्रृंगार किया है बजरंग बली जी का, महाराज जी का काफ़ी अच्छा श्रृंगार हुआ है यहाँ पे। मालाएं बाबा नीम के वाली महाराज जी की जय हो। ये बैठे हैं आज अपने भोले शंकर जी, महादेव साक्षात। हरे भगवान के दर्शन कर लेते हैं गाइस एक बार में। हरि ओम नमः शिवाय। चलिए गाइस रूम की ओर चलते हैं, मंदिर के दर्शन हो गए बढ़िया।
पानी चुराया वैसे भी ट्रैफिक हल्का है, निकलते हैं कहीं लेके निकलते हैं रूम पे अंकल जी की शॉप से। काफ़ी प्यारा नज़ारा, अभी पानी चुराएगा सुबह का टाइम। मैं ऐसे भेज रहा हूँ, तुम्हारी वीडियो वायरल हो रही है, देश की तरफ कर दो। बढ़िया खमीरा चढ़ा हुआ है, जलेबी खाते हैं जलेबी। चलो दही पैक करवाते हैं और निकलते हैं रूम की ओर। तो गाइस मैं अपनी बाइक वहीं खड़ी करके आ गया अंकल जी की दुकान पे, आ गए 10-15 मिनट के लिए। गाइस वहीं से स्टार्ट करके निकल लेंगे शॉप को। मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप जब ज़्यादा तेज़ नहीं लग रही है अभी तो। गाइस दिन में देखो गर्मी पड़ सकती है, आज तो मौसम एकदम क्लीन, बहुत कड़के की धूप आई है कड़ाके की, देखो क्या होता है। अभी तो गर्मी फिलहाल नॉर्मली है, कम है, 3-4 दिन से अच्छा हो रहा था मौसम, आज देखते हैं। तो मैं जा गया हूँ रूम पे और चलिए खाना खाते हैं। गाइस तो मैं हूँ रूम पे, आज तो भाई ने बहुत ज़्यादा दही दे दी है, पूरी डिब्बी भर गई है 20 रुपये में। घर की दूध है गाइस, घर की दूध की दही जमाते हैं वो दुकान पे। दाल में भी सीटी आ गई, बन गई है दाल, बढ़िया खाते हैं खाना। मेरी सिस्टर ने चावल चावल बना दिया मेरी सिस्टर ने, बढ़िया। ये गाइस बढ़िया बन गई है दाल, ये चावल, रोटी सब्जी भी है शायद कल शाम की, वो तो बासी तो कहाँ खाएंगे, बचा भी नहीं होगा इतना। और जब खाते हैं खाना फिर निकलते हैं शॉप की ओर। तो गाइस चलिए करते हैं खाना शुरू, बन गया है, बड़ा टेस्टी बना है, दाल चावल और दही और पानी। तो गाइस पहला निवाला भगवान जी के लिए, ये भगवान जी को है गाइस, खिला दिया भगवान जी को मैंने। जय हो भगवान जी। भगवान जी तो ऐसे खा लेते हैं गाइस, भावुक भूखे होते हैं, मन से आपके लिए गाइस, आप लोग खाइएगा फिर मेरा, अब सारा मेरा, मैं खाऊंगा सारा। और बहुत बढ़िया टेस्टी बना रखा सिस्टर ने यार, गजब। बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है दाल चावल। चलिए गाइस खाते हैं और फिर निकलते हैं दुकान की ओर। अभी रात की सीताफल कद्दू की सब्जी भी बची है, अभी ख़राब नहीं हुई है, अभी ये भी खा लेते हैं थोड़ी, नहीं हुई है ख़राब, ये भी खा लेते हैं फिर चलते हैं रूम की दुकान की ओर। अब सिस्टर भी अपना खाना पैक कर रही है लंच, मैं भी पैक करूँगा, मैं पहले खा लेता हूँ फिर निकलता हूँ दुकान की ओर। मिलते हैं गाइस जल्दी दुकान पर और बेहतरीन करते हैं ब्लॉग को आगे चल के। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, मज़ा आ गया खाना खाने में, दही भी मिला रखी है गाइस दाल चावल में, इतना बढ़िया हो रहा है गाइस टेस्टी। तो गाइस जल्दी जल्दी खाते हैं फिर निकलते हैं रूम की ओर। बहुत टेस्टी खाना हो रहा है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाके करते हैं ब्लॉगिंग को और बढ़िया बढ़िया। गाइस चलते हैं रूम से, आ गया हूँ खाना पीना खा के, बस हल्की हल्की धूप बड़ी तेज़ लग रही है, बाहर गाड़ी खड़ी है मार्केट पे, चलो चलते हैं गाइस आगे अंदर तो नहीं छोड़ी। तो गाइस पहुँचने वाला हूँ गाड़ी चुराए पे, निकलते हैं गाइस, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, दुकान पे मिलते हैं। हेलो हेलो माय लवली फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं दुकान पे हूँ, अभी दुकान पे हूँ अपनी। तो फ्रेंड्स मैं 9:30 बजे के टाइम पे रूम से निकला था, 9:26 में ऐसे टाइम पे। तो गाइस 15-20 में धूप अगरबत्ती करेगा भाई अभी आके, ऑयल फिल हो जाएगा है मंदिर पे, धूप बत्ती करेंगे अपना मंदिर है ये भगवान जी का। ये रिक्शा लगा है, ये भी एक रिक्शा लगा है गाइस बाहर, यहाँ पर ये स्कूटी लगी है दो, और यहाँ पर इतनी सारी स्कूटी लगी है गाइस, ये सारी अपने टी वी एस का शोरूम है वाले में। बस स्कूटी जिस किसी भाई को, सिस्टर को, किसी फ्रेंड को सी है कि हल्द्वानी में, तो संपर्क करें रविंद्र जोशी, रोहित जोशी से। तो आज अपने रोहित तेरे बाबा जी नीम करौली महाराज जी, जय नीम करौली बाबा जी की जय हो। तो आज बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए हमें रोज़, आप लोगों को भी आशीर्वाद बना रहे, आपके ऊपर भी बाबा जी का भी खुश नज़र आ रहे हैं गाइस। तो गाइस मिलते हैं जय श्री राम करते हुए, जय बाबा जी नीम।
रही है गाइस, अभी कोई दोस्त मिलने वाले हैं। देखो गाइस क्या होता है, तो आज की कल नाइट का गाइस मैंने बिग ब्लॉग डाल रखा है, तो गाइस 20 या 21 मिनट का वो ब्लॉग है गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा बने रहे हैं ब्लॉग पे गाइस, पूरा पूरा देखें गाइस, शॉर्ट करके जब भी देखें गाइस, कल रात का ब्लॉग जरूर देखिएगा गाइस। जल्दी आपके बीच अब करो जोशी भाई, तो गाइस कल सोया नहीं था गाइस, 3 बजे 2 बजे रात को सोया गाइस, फिर भी देखो सुबह उठिया टाइम से। आपका रविंदर जोशी भाई आ गए, चलते हैं गाइस, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग पे गाइस, और बेहतरीन लेके चलते हैं ब्लॉग को, आप लोगों को ले चलते हैं और अच्छी दुनिया पे। दुकान पे बैठा था अभी तक अकेला, कस्टमर भी आज कम आ रहे हैं, तो खाना वाना खा लिया जी, 15-20 मिनट पहले खाना खा रखा है। तो मेरे से मिलने आए दोस्त लोग अपने जिगरी रवि भाई और धर्मेंद्र भाई, एक बार फिर से आज आम खाते हुए आए हुए भैया, आम ले कर आए तो साथ में काफ़ी टेस्टी आम हो रहा है, मीठा बिल्कुल, 60 रुपये के 3 दाने बोल रहे हैं भाई लोग, गजब आम है यार गाइस, मीठा और शुद्ध है बिल्कुल, बिना कार्बेट से पका हुआ पेड़ से आया। हाई तो कर दे, कैसा हो रहा है आम? गाइस आम बड़ा लग्जरी हो रहा है, टेस्टी। हल्द्वानी में बोलते हैं बावर, बावर में आम खाने का मज़ा ही अलग है, पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज बावर है हल्द्वानी का, तो गाइस हल्द्वानी में ही रह के हल्द्वानी का आम खा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है, गजब है यार भाई आम का टेस्ट का। अपनी तो चल रही है कोल्ड ड्रिंक ब्रेक, आ गया गाइस ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक के साथ जीवन व्यापन, भाई लोग अपने बैठे हुए हैं बस कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं भाई लोग। हेलो गाइस, कोल्ड ड्रिंक पी के हो गया है मूड एकदम फ्रेश हल्की। गाइस कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए वैसे, ऐसा टेस्ट हो रहा है यार। आ गया गाइस बिल्कुल, दुकान पे बैठा था अभी तक अकेला, कस्टमर भी आज कम आ रहे हैं, तो खाना वाना खा लिया जी, 15-20 मिनट पहले खाना खा रखा है। तो मेरे से मिलने आए दोस्त लोग अपने जिगरी रवि भाई और धर्मेंद्र भाई, एक बार फिर से आज आम खाते हुए आए हुए भैया, आम लेके आए तो साथ में काफ़ी टेस्टी आम हो रहा है, मीठा बिल्कुल, 60 रुपये के तुम्हें यार गाइस, मीठा और शुद्ध है बिल्कुल। हल्द्वानी में बोलते हैं बावर, बावर में आम खाने का मज़ा ही अलग है, पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज बावर है हल्द्वानी का, तो गाइस हल्द्वानी में ही रह के हल्द्वानी का आम खा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच भाई।